चचा, क्या नाम है आपका? नवाब। नवाब, तो रहने वाले कहाँ के हो? मेरठ। मेरठ के? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कम आवाज़ आ रही है। आज खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना तो खा लिया, बस तबीयत ऐसी है। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? क्या हो रहा है? अच्छा, मेरठ में कहाँ से हो चचा? मेरठ में जाकर कॉलोनी में बहन है हमारी। ये लगा लो बस। बहन है हमारी जागर कॉलोनी में। जागर कॉलोनी में बहन है आपकी? तो ये मतलब कितने सालों से आपका ये इस तरह से? ये 20 साल हो गए मेरे को, 20 से भी ऊपर ही हो रहे हैं। 20 साल हो गए हैं। अभी मत भी बीड़ी थोड़ी थोड़ी ना, थोड़े से एरिया में ही हुआ काम। ये जैसा मतलब क्या हुआ था? इसमें लगी थी मिर्च, मिर्ची। जी जी, उधर रहा हूँ मैं पल्ली तरफ में। जी जी, उधर से ऐसे ऐसे आता हूँ घूम के। जी जी, और ऐसे आके घूम के, और ये डॉक्टर साहब की दुकान है। मतलब आपको दिखता नहीं, फिर भी अंदाज़ है आपको? आज से थोड़ी रहते हैं हम। अच्छा, यहाँ तो बहुत पुराने हो गए। मतलब कुछ दिखता है थोड़ा बहुत? यहाँ तो बहुत पुराने हो गए हम। तो कुछ दिखता है थोड़ा बहुत? नहीं दिखता, देखना हमारा यहीं तो गया है। नियम तो यहाँ से ही आए थे। सही आए थे हम तो। हम अच्छा नवाब भाई, तो घर में कौन कौन है आपके? दो बहन है मेरे से बड़ी। जी जी जी। एक तो यहीं पर रहती है लोनी। जी जी जी। मेरे से बड़ी है? जी जी, मेरे से बड़ी है। मेरठ में जाकिर कॉलोनी में, मतलब चमड़ा पैंट के नीचे, वो क्या नाम वो है गड्ढे। जी जी, चमड़ा पैंट के अंदर जाकिर कॉलोनी पहले चक्की बोली जाती थी हम। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं नवाब भाई, नवाब भाई नवाब भाई 20 साल आपको हो गए, सारी बात आपको 20 साल हो गए ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी तकलीफें आपको होती है? आंखें नहीं है, आप आदत बन गई या? ये मुझको मेरे मालिक ने आदत बना दी। मैं दूसरा पर पाउंड रख नहीं सकता, बस ये तो वही रखवाता मुझे। मैं कोई चीज नहीं जो मैं दूसरा पाँव रख लूँ, कदम रख लूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं, वो रखवाता मुझसे। और वही अपने अब तलक के मेरे को नहीं रोना नहीं आपको ना। देखो अल्लाह अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है। वो रोना नहीं है। माँ भी मेरी गुजरी यहीं पर, घरवाली भी यहीं पर गुजरी मेरी, यहीं पर। जी जी, अब जब बहनों ने धक्का दे दिया तो अब हो गया अकेला, और अपना भैया टाइम काटना टाइम। तो ऐसे ही नवाब भाई ऐसे ही बस मांग के अपना गुजारा करते हो? ऐसे ही अपना गुजारा कर रहा हूँ। अरे 1000 रुपये पे मैंने वो ले रखी बैठक, और उसमें अपना किराया देता हूँ, अपना रात को अपना पड़ जाऊँ। और खाना पीना नवाब भाई मतलब बीमारी कोई ना कोई खिला देता है तो खा लेता हूँ, और नहीं खिलाता तो बिस्कुट विस्कुट लिया और अपने तल भैया। ये है नवाब भाई, कुछ लोग जो ज़िंदगी से हार जाते हैं कहते हैं कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, उनको उनको क्या सीख देना चाहोगे आप? हिम्मत अगर खुदा देता है तो हिम्मत माननी चाहिए। जी जी, और हिम्मत अगर दिल भी देता है तो हिम्मत माननी चाहिए, वरना दिल अगर साथ छोड़ दे, हिम्मत करनी बंद कर दे कि नहीं मैं नहीं, हिम्मत तेरी मर्जी, तो हिम्मत छूट सकती है। जी जी, और वो हिम्मत अगर नज़र फेर ले, हिम्मत ना दे तो हिम्मत छूट सकती है, यानी वो हिम्मत दे। मैं तो जानता हूँ भाई, इतनी भाई रोना रोना नहीं आपको भाई, बस हिम्मत बांध रखी, आप हिम्मत से काम लो इंशाल्लाह। देखो अल्लाह सबके साथ में, ठीक है ना, जिसने आपको ऐसा बनाया वो आपको रिजक भी दे रहा है, रोजी भी दे रहा है। पर अब तलक कोई अगर सोचे ना कि भाई ये खावे ना, मिल जाती है मुझे। हाँ, कोई अगर सोचे कि चाय ना पीवे, मुझे चाय भी मिल जाती है। वो मेरे को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? देता अल्लाह दे रहा है ना, समझ के बोलिए। और उसको मुझे पूरा भरोसा इंशाल्लाह। कितना किराया आपका? 1000 रुपये देने पड़ते हैं। 1000 अभी तो दिए बिना इस महीने के, आप इस महीने के जोड़ने तब मुझे देने। 15 तारीख को महीना हो गया, मुझे फिक्र है कि 1000 रुपये उसमें। 15 तारीख को महीना हो गया? हो गया 15 तारीख को। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब उसके देने 1000 रुपये तो वो मुझे फिक्र लगा। चलो चलो अल्लाह कराएगा तुम्हारा। नवाब भाई एक दो तीन चार, नवाब भाई 5000 रुपये 500 दे दिया आपको, 500 आपको देना है। पाँच हो ये 5000 है टोटल, 4500 है, 5000 रुपये हैं मेरा मालिक तुम्हें नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह सबके साथ में रखे मेरा मालिक तुम्हारी, तुम्हें खूब दे जेब भर भर के दे मेरा मालिक। कभी हिम्मत नहीं हारना, बस ये मैं चाहता हूँ कि आप देखो अल्लाह ने इस गैप से मदद करी ना, आपने आपने मांगा होगा, आपने मांगा उसी को उस पर फिरता हूँ बेशक, जैसा भी कुछ है मेरे को उसका करना, उसका मैं जैसा भी कुछ वैसा करता हूँ बेशक, नूने के मैं करता जैसा मुझसे होता। भाई 5000 से किराया देना, फिक्र मत करना, इसमें साफ दे दूंगा ना किराया, ठीक है ना। और हम इंशाल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब मैं आप हर महीने इनसे मिलूंगा भाई, इनका एड्रेस वगैरह लेना। कोई मोबाइल नंबर रखते हो? ये मेरे बड़े भाई हैं। कोई मोबाइल नंबर रखते हो? चलो मैं टच में रहूँगा इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं आना, दुआ दुआ दे दो बस, क्योंकि आपकी दुआ है ना कभी रुकेगी नहीं। मेरे भाई को मोहब्बत रखे जी इंशाल्लाह, मोहब्बत नहीं कम होनी चाहिए मेरे मालिक की दया। शुक्रिया नवाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने एक 70 साल के बुजुर्ग जिनकी दोनों आंखें नहीं है, पिछले 20-25 सालों से वो किस हालात में अपनी ज़िंदगी इस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कोई नहीं है, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं। और हमने सिर्फ हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो काम हम ऑन कैमरा कर रहे हैं वो काम आप चुपचाप भी कर सकते हैं, आप वो काम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी को पता भी ना चले और हमारे ऐसे भाइयों की मदद हो जाए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग आइए सामने आइए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। 1000 मुशाहिद खड़े होइए, हर इलाके में, हर शहर में, हर गाँव में एक मुशाहिद खड़ा हो जो लोगों की मदद के लिए खड़ा हो, लोगों की मदद करे, चाहे वो काम आप दिखा के करें चाहे वो काम आप छुपा के करें, लेकिन आपका मकसद सिर्फ ये हो कि हम गरीबों की मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो आपकी मदद के मुस्तहिक है। हमसे जो हुआ हमने उनको बाबा को दिया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर महीने बाबा से मिलेंगे, उनका किराया हम देंगे, उनके खाने का जो भी है इंशाल्लाह हम देंगे। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए, आगे आइए, लोगों की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।